Hello everyone, welcome to Shifting Gears. अभी मैं चला रहा हूँ Volkswagen की Ameo. ये है इसका petrol powered variant. ये जो engine है, this is a 1 liter 3 cylinder motor और ये produce करती है 76 PS की power and 95 Newton meters की torque. अब हमने इसका review video already upload किया है, so you can know more about how this car drives. इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं अबाउट द हाईवे स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्पैक्ट सेडान. सालों से हम ये जानते आए हैं कि Volkswagen कार्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल होती हैं. दे आर रियली गुड टू ड्राइव एंड दे मेंटेन देयर लाइंस वेरी नाइसली जब आप इन्हें हाईवे पे फास्ट चलाना चाहते हो, जब आप इन्हें घाट रूट में चलाना चाहते हो. आज हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे चला रहे हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू एनकाउंटर द घाट सेक्शन और देखेंगे कितनी स्टेबल है ये Volkswagen की Ameo. तो यहाँ पे आप एक जी फोर्स मीटर देख सकते हो जिसमें से आपको एक आइडिया आ जाएगी हाउ विल द जी फोर्सेज वर्क ऑन यू, वर्क ऑन द कार व्हेन यू आर बीइंग ड्रिवन अराउंड इन दिस Volkswagen Ameo. तो उस हिसाब से मैं आपको इसके स्टेबिलिटी के ऊपर अभी कॉमेंट्स दूंगा. आई एम गोइंग टू मेंटेन दिस फर्स्ट लेन एंड आई एम गोइंग टू मेंटेन स्पीड्स ऑफ अप टू 80 किलोमीटर पर आवर. 80 से ज़्यादा फास्ट मैं अभी नहीं चलाऊंगा इस गाड़ी को. सो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ स्टेबल दिस कार इज एंड नाउ वी स्टार्ट विद द घाट सेक्शन. तो अभी स्पीडोमीटर पे तो 80 किलोमीटर पर आवर है एंड द कार इज मेंटेनिंग इट्स लाइन वेरी नाइस एंड कम्फर्टेबली. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज लेन्स ऑल्सो. तो उसकी वजह से होगा ये कि जब मैं एक सिंगल लेन में सिंगल लाइन मेंटेन करने की कोशिश करूँगा तो स्टेबिलिटी का बेटर आइडिया मुझे आ जाएगा. एंड एज ऑफ नाउ द Ameo फील्स वेरी नाइस एंड कंपोज. ज़रूर इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है बट देन बिकॉज ऑफ दैट आपको ड्राइविंग डायनामिक्स में उसका काफ़ी बेनिफिट हो जाता है बिकॉज द कार डजंट फील टू सॉफ्ट. वर्टिकल मूवमेंट बहुत कम होती है. वॉफ्टीनेस वॉलोविनेस आपको इस गाड़ी में फील नहीं होता है कंपेयर टू से अदर कार्स इन द सेगमेंट. स्पेशली डिजायर और एक्सेंट को अगर आप इस गाड़ी से कंपेयर करोगे तो ये जो Ameo है इट फील्स मच शार्पर टू ड्राइव अराउंड. इसके अलावा अगर आपको इस सेगमेंट में कोई अच्छी गाड़ी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स देन यू हैव द फोर्ड एस्पायर. नाउ वी आर गोइंग टू एनकाउंटर अ राइट टर्न. अभी मुझे डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा शायद एंड चेक दिस आउट. बारिश हो रही है बाहर. देर इज नो ट्रैक्शन कंट्रोल और देर इज नो अदर इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस इन दिस कार बट इट स्टिल मेंटेन्स मोमेंटम वेरी नाइसली. इट स्टिल मेंटेन्स इट्स लाइन वेरी नीटली. अगर आप इसके DHG वेरियंट्स खरीदते हो ऑन दी Volkswagen Ameo आपको उसमें ESP भी मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प कीप द कार स्टेबल. इसमें ESP नहीं है बट आपको उसकी कमी महसूस नहीं होने वाली है बिकॉज दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड राइड इन दिस कार. तो अगर आप ये Ameo Volkswagen की खरीदने की सोच रहे हो एज अ फैमिली कार कंफर्ट में शायद ये थोड़ी कम पड़ेगी बिकॉज द सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड और उसके बारे में आप शायद ही कुछ कर पाओगे टू मेक इट फील बेटर. आपको खड्डों में शायद थोड़े बहुत जर्क्स फील होंगे लेकिन अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जो आप वीकेंड ड्राइव्स पे एंजॉय करना चाहते हो दिस Volkswagen Ameo इज श्योरली गोइंग टू कीप यू हैप्पी बिकॉज इट ड्राइव्स वेरी वेल. स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी अच्छा है. इट वेज अप वेरी नाइसली एंड इट फील्स गुड. इट फील्स नाइस एंड डायरेक्ट. फीडबैक के हिसाब से ये काफ़ी रिच है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन. ज़्यादा प्ले एरिया भी नहीं है, ज़्यादा डेड एरिया नहीं है इन दी सेंटर. सो आपको एक काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी अबाउट वेयर यू आर पॉइंटिंग द व्हील्स जब आप इसे तेज चलाना चाहते हो आउट ऑन दी हाईवेज एंड आउट ऑन दी घाट सेक्शन. व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द कार इज हाउ प्लांटेड इट फील्स. आप 80 किलोमीटर पर आवर पे चलाओ या मे बी आप हायर ट्रिपल डिजिट्स पे इसको चलाओ Volkswagen Ameo इट विल मेंटेन इट्स कंपोजर. इट विल नॉट लीव यू स्केर्ड. आपको नर्वसनेस बहुत कम फील होता है. इस पर्टिकुलर वेरियंट में इन द Volkswagen Ameo आपको पावर की कमी जरूर फील होगी बिकॉज द कार ओवरऑल इन इट्स डायनामिक्स कैन डेफिनेटली डू मोर बट दिस 3-cylinder 1-liter पेट्रोल इंजन इज नॉट दैट ग्रेट इन ओवरऑल गिविंग यू दैट पंची फीलिंग. इस गाड़ी में इन द Volkswagen Ameo जो सीट्स हैं द फ्रंट सीट्स दे हैव डिसेंट अमाउंट ऑफ साइड बोल्स्टरिंग लेकिन ये ज़्यादा प्रोनाउंस भी नहीं है. तो ये जो लैटरल सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है लेकिन अगर आप ऑन दी हेवियर साइड हो, अगर आपकी बिल्ड थोड़ी ज़्यादा है तो ये आपको ज़्यादा टाइट फील नहीं कराएगा. तो स्पेस आपको ज़्यादा कम नहीं लगेगी इस गाड़ी में. ऑफकोर्स इफ़ यू आर रियली ऑन दी हेवियर साइड दीज सीट्स विद दी कॉन्टूर्स या कोई भी कॉन्टूर सीट में आपको शायद टाइट फीलिंग आएगी बट दिस ओवरऑल इज़ अ डिसेंट पैकेज. ड्राइविंग पोजिशन के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें. यू हैव रेक एंड रीच एडजस्टमेंट फॉर द शेयरिंग व्हील. आपकी सीट जो है आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो. सो यू कैन फाइंड अ वेरी नाइस ड्राइविंग पोजिशन व्हेन यू वांट टू ड्राइव द Volkswagen Ameo. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू एनकाउंटर अ हेयरपिन टर्न आउट ऑन द एक्सप्रेस वे एंड
एंड द स्पीड वॉज 80 किलोमीटर पर आवर बट अभी ये 60 हो चुकी है. बट चेक दिस आउट, इट कैन स्टिल स्टे इन दैट फर्स्ट लेन एंड आई कैन स्टिल हैव माई थ्रॉटल पार्शली प्रेस. तो उससे ज़्यादा मुझे स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इट फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल एंड इट फेल्ट कॉन्फिडेंट. गाड़ी ने मुझे बिल्कुल भी अंडर शियर वाली फीलिंग नहीं दी, सो आई कुड मेंटेन दैट स्पीड, सो आई डिड नॉट हैव टू स्लो डाउन. अभी भी आई एम इन दैट घाट सेक्शन, आई एम इन अ सीरीज ऑफ बेंड एंड आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड व्हाइल ड्राइविंग दिस कार बिकॉज इट इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ मेंटेनिंग इट्स लाइन. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है, ABS विद EBD आपको मिलता है, तो उसकी वजह से आपको डर नहीं लगेगा व्हेन यू वांट टू स्लो डाउन. से फॉर एग्जांपल अगर आप ओवरशूट कर देते हो स्पीड, यू कैन ब्रिंग द कार इन योर कंट्रोल वेरी क्विकली. शार्प टर्न राइट नाउ एंड अनदर लेफ्ट टर्न राइट नाउ एंड चेक दिस आउट, इट इज वेरी वेरी नाइस, इट इज वेरी वेरी स्टेबल, इट इज वेरी कंपोज. जब आप एक शार्प सीरीज ऑफ बेंड्स एनकाउंटर करोगे ऑन दी Volkswagen Ameo, आपको वो ज़्यादा सस्पेंशन डिप्रेस होने की फीलिंग नहीं आएगी ऑन दी आउटसाइड ऑफ द कार. से फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो, यू विल नॉट फील दैट द राइट साइड ऑफ द सस्पेंशन इज यू नो डिपिंग अ बिट टू मच, इट इज जस्ट बीइंग प्रेस्ड अ बिट टू मच. यही इसका हाईलाइट है दैट द कार मेंटेन्स इट्स लाइन वेरी नाइसली एंड इट फील्स कंपोज्ड. तो कॉमेंट से मुझे बताइए क्या लगता है आपको अबाउट द Volkswagen Ameo. दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्पैक्ट सेडान यू कैन बाय इन दिस सेगमेंट. अभी भी चेक दिस आउट, दिस इज अ लॉन्ग कॉर्नर. आई वॉज एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, आई हैव नाउ स्लोड डाउन टिल 70 किलोमीटर्स पर आवर एंड द कार कैन मेंटेन अ नाइस कंफर्टेबल लाइन एंड इट इज नॉट स्केरी एट ऑल क्योंकि द कार इज रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग वेल टू माई स्टीयरिंग इनपुट. कॉमेंट्स में पूछिए मुझे इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कार, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस पेट्रोल इंजन ऑफ द Volkswagen Ameo. आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो. टिल नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज हैव बोथ योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील. जब आप दोनों हाथों से गाड़ी को स्टीयर करोगे आपको और कॉन्फिडेंस जरूर फील होगा. गुड बाय, ड्राइव सेफ.